साहिबा तू मैं मिर्ज़ा। नमस्कार दोस्तों, एजे वाटी में आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों स्क्रीन पे देख रहे हो उसी तरह आप भी न्यू ट्रेंडिंग डीजे स्टेटस एडिटिंग करना चाहते हो तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साइड में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेगी। और दोस्तों इस चैनल पर रोज आपको एक नई वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में वी एन ऐप को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो इधर से आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको न्यू प्रोजेक्ट या वहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर से आपके जो भी पोस्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं यहाँ से अपने पहले पोस्ट है वो जल्दी जल्दी ऐड कर लेता हूँ। तो उसी तरह से मैं यहाँ से अपने पोस्ट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लूँगा। उसी तरह से ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपने पोस्ट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से आपको इधर से मैं 20 पोस्ट है वो ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से आपको तीर वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो वहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सभी पोस्ट रहेंगे वो कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों इधर से आपको एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो वो ऐड करना है तो यहाँ से मटेरियल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ब्लैक स्क्रीन ऐड कर लेना है। उतना करने के बाद दोस्तों इधर से आपको अपना ब्लैक स्क्रीन ऐड करने के बाद इसे कुछ इसी तरह से बड़ा कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर से आपको ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से मैं ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों इसे आपको कुछ स्क्रीन इसी तरह से कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं यहाँ से अपने स्क्रीन को कुछ इसी तरह से इस स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से 9:16 का रिव्यू सेलेक्ट कर दूँगा। उतना करने के बाद दोस्तों इधर भी आपको कुछ इसी तरह से आपको स्क्रीन को फुल कर देना है जो कि 9:16 में आपकी स्क्रीन रहेगी वो सेट हो जाएगी। उतना करने के बाद दोस्तों इधर से आपको अपना वीडियो कुछ इसी तरह से आ जाएंगे। तो इधर से अपना अपना सॉन्ग के हिसाब से कहाँ तक अपना सॉन्ग रहता है वहाँ तक आपको इसे कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ तक आपको कर देना है और यहाँ से अपना पीछे वाला भाग है वो कुछ इसी तरह से कर देना है। यहाँ से अपना स्क्रीन आना जो आपका फ़ोटो वाला ऑप्शन आएगा तो इधर से अपना ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इधर कुछ इसी तरह से आपको एक कुछ इसी तरह से कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों इधर से आपको अपने पोस्ट को बिल्कुल छोटा छोटा कर देना है। तो एकदम मैं इस पोस्ट को कुछ इसी तरह से कटिंग करके छोटा कर देता हूँ। उसी तरह से इस पोस्ट को भी आपको कुछ इसी तरह से छोटा पोस्ट कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से कर देना है। करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको इधर से सही से सेट कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं तो आपको सभी पोस्ट को कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है और फुल कर देना है। फुल करने के बाद दोस्तों इस पोस्ट को आपको कुछ इसी तरह से छोटा छोटा कर देना है जो कि आपका फोटो रहेगा वो बहुत ही क्लासिक रहेगा और सेंड उसमें आपको एकदम सही से सेट हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इसको आपको और थोड़ा कुछ इसी तरह से कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको सब में कर देना है और उसी तरह दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं यहाँ से जल्दी जल्दी कर देता हूँ। करने के बाद दोस्तों इधर से आपको अपने पोस्ट को कुछ इसी तरह से कर देना है। एक्स्ट्रा पोस्ट रहेंगे उसे आपको डिलीट कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से एक्स्ट्रा पोस्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद दोस्तों इधर से आपको इसको कुछ इसी तरह से फुल कर देना है। फुल करने के बाद दोस्तों इधर से आपको अपने जो ब्लैक स्क्रीन आपने ऐड किया था वो ऐड कर लेना है। उसी तरह से यहाँ से ऐड क्लिक करना है। यहाँ से आपको जितने भी ब्लैक जो आपका क्रोमा वाला ऑप्शन है उधर क्लिक करना है। यहाँ से आपको कुछ इसी तरह से कर देना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर भी आपको कुछ इसी तरह से जो आपके जिधर भी आपको ऑप्शन आ रहे हैं तो उधर आपको सभी जगह कुछ इसी तरह से क्रोमा वाला ऑप्शन पर क्लिक करके प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके यस पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपके सभी फ़ोटो में कुछ इसी तरह से सेट हो जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो को आप एक्सपोर्ट करना चाहो तो इधर ऊपर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ से यस पे क्लिक कर देना जो कि वीडियो रहेगा इजीली आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।